एवरीवन व्हाट्स अप, वेलकम टू अपना कॉलेज। और तो अब हम देखने वाले हैं द फेमस एन क्वीन प्रॉब्लम। तो एन क्वीन प्रॉब्लम में क्या होता है कि हमें एक दे रखा है एन बाय एन साइज का चेस बोर्ड, और उस चेस बोर्ड पे हमें प्लेस करनी है एन क्वींस सच दैट नो टू क्वींस अटैक ईच अदर। ठीक है, तो अटैक ईच अदर का मतलब आप समझ रहे हैं यहाँ पे। अगर आपने चेस खेल रखा है तो आपको पता होगा कि क्वीन जो है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट, लेफ्ट एंड इवन डायगनली। तो अटैक का मतलब ये हो गया कि दो जो क्वींस हैं हमारी वो एक दूसरे को मार ना दे, मतलब समझ गए ना। ठीक, तो अब हम क्या कर रहे होंगे यहाँ पे, हमें जो यहाँ पे दिखा रखा है चेस, ये दे रखा है n इजिकल टू 4 के लिए। तो आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, जो मैंने 4 क्वींस जो प्लेस कर रखी है वो ऐसे प्लेस्ड है कि हमारा कोई भी दो क्वींस एक दूसरे को अटैक नहीं कर रही है, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमारी, अगर हमें n बाय n चेस बोर्ड में n क्वींस प्लेस करनी है तो हमें हर एक रो में एक क्वीन प्लेस करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि हम एक रो में दो क्वींस तो प्लेस कर नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि वो एक दूसरे को अटैक कर देंगी। तो हमें हर एक रो में एक क्वीन तो प्लेस करनी है। ठीक है, अब जो है सेकेंडली, यहाँ पे हमारी जो सारी क्वींस होंगी ये डिफरेंट रोज में होनी चाहिए, अगर सेम रो में होंगी तो भी एक दूसरे को अटैक कर देंगी। एंड थर्डली, ये जो है एक दूसरे के डायगनल पे कोई भी लाई नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि कोई भी दो क्वींस जो है वो एक दूसरे के डायगनल पे प्लेस्ड नहीं है, राइट। तो ये है हमारा सॉल्यूशन ऑफ n इजिकल टू 4 का n क्वीन प्रॉब्लम का। ठीक, तो अब इसको हम देखते हैं कि हमने इस सॉल्यूशन तक हम आए कैसे। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं रिकर्शन। रिकर्शन से हम हर एक जो पाथ है वहाँ पे हम फॉलो करके देखते हैं कि क्या यहाँ पे क्वीन को प्लेस करने से मेरे को अपना सॉल्यूशन मिल पाएगा। ठीक है, तो हम हर एक वो चीज़ ट्राई करते हैं, और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बैक ट्रैकिंग कि कहीं पे भी हमें पता चलता है कि अच्छा इससे जो है हमारा सॉल्यूशन नहीं आएगा यहाँ पे प्लेस करने से, तो हम उससे पहले वाले डिसीजन पॉइंट पे जाकर अपनी पहली वाली जो हमने प्लेस कर चुके हैं हम ऑलरेडी क्वींस, उनकी पोजिशन को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि यहाँ पे हो कैसे रहा है। सपोज़ मैंने अपने जो क्वीन है फर्स्ट क्वीन को, उसको फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में प्लेस कर दिया। ठीक है, अब जो है मैंने एक रो में प्लेस कर दिया, तो अब मैं नेक्स्ट रो में ट्राई करूँगी प्लेस करने का, राइट। तो नेक्स्ट रो में जो है मैं फर्स्ट कॉलम में तो नहीं कर सकती और सेकंड कॉलम में भी नहीं कर सकती, वहाँ पर डायगनली अटैक हो जाएगा, तो मैंने थर्ड कॉलम में अपनी क्वीन को प्लेस कर दिया। अब मैं आती हूँ थर्ड रो पे, थर्ड रो में मैं फर्स्ट कॉलम में नहीं कर सकती, सेकंड कॉलम में भी नहीं कर सकती, डायगनली अटैक हो जाएगा, थर्ड में भी नहीं कर सकती और फोर्थ में भी डायगनली अटैक हो रहा है, राइट। तो थर्ड रो में कोई भी पोजीशन नहीं है जहाँ पे मैं अपनी जो थर्ड क्वीन है उसको प्लेस कर पाऊँ। और जैसे कि मैंने बोला कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें हर एक रो में एक क्वीन तो डालनी ही पड़ेगी, बिकॉज वी हैव टू प्लेस एन क्वींस इन एन बाय एन चेस बोर्ड, राइट। तो इससे जो है हमें हमारा सोल्यूशन नहीं मिलेगा, जैसे हमने अपने पहले वाली क्वीन प्लेस कर रखी है उससे हमें सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो हम बैक ट्रैक करेंगे, हम अपनी वापस वाली जो इससे पहले वाली क्वीन जो हमने प्लेस करी थी उस पर जाएंगे और उसको जो है एक स्टेप आगे कर देंगे, कर दिया। अब अगर हम देखें थर्ड रो में, तो हम थर्ड रो में प्लेस कर सकते हैं हमारी क्वीन को सेकेंड कॉलम में और वो हम कर देंगे। अब हमने प्लेस करनी है अपनी फोर्थ क्वीन इन फोर्थ रो। तो अब आप देखो कि फर्स्ट कॉलम में नहीं कर सकते, सेकंड में नहीं कर सकते, थर्ड में डायगनली अटैक होगा और फोर्थ में भी कॉलम वाइज अटैक हो जाएगा। तो फोर्थ रो में हम कहीं पे भी अपनी फोर्थ जो क्वीन है प्लेस नहीं कर पा रहे हैं। तो जो अरेंजमेंट से हमने अभी तक किया है, इस अरेंजमेंट से भी हमें हमारा सॉल्यूशन जो होगा फाइनल वो नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो इससे पहले हमने क्वीन प्लेस करी थी थर्ड रो में, उसके पास जाएंगे, उसको बोलेंगे कि भाई तू क्या आगे मूव हो सकती है, तो वो नहीं हो सकती, राइट, क्योंकि आगे वाले जो ये वाला पोजिशन है यहाँ पे ये डायगनली अटैक हो जाएगा और यहाँ पे कॉलम वाइज, तो ये तो नहीं हो सकती। तो हम क्या करेंगे कि इससे जो पहले वाली हमने क्वीन प्लेस करी थी उस पर बैक ट्रैक करेंगे। अब हम इसको बोलेंगे भाई ये तो ऑलरेडी लास्ट कॉलम में है, ये तो और आगे हो ही नहीं सकती मूव फॉरवर्ड, है ना, तो हम इससे पहले जो क्वीन प्लेस करी थी उस पर बैक ट्रैक करेंगे। तो हम आ गए हमारे फर्स्ट वाली क्वीन पे, अब इसको हम आगे मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं, राइट। तो इसको हम बोलेंगे कि भाई तू एक स्टेप आगे हो जा, तो वो हो गई। अब हम अगर सेकेंड रो में आते हैं अपने सेकेंड क्वीन को प्लेस करने के लिए, तो हम कहाँ कर सकते हैं, हम फोर्थ कॉलम में अपनी क्वीन को प्लेस कर सकते हैं।
थर्ड रो में अब अगर देखें हम, तो थर्ड रो में मैं फर्स्ट कॉलम में कर सकती हूँ राइट, वहाँ पे कोई डायगनली या कॉलम वाइज रो वाइज कहीं से अटैक नहीं हो रहा, कर दिया। अब फोर्थ रो में अगर मैं देखूँ तो फोर्थ रो में थर्ड कॉलम में मैं कर पा रही हूँ। तो ये मेरे को मिल गया वही सोल्यूशन जो मैंने आपको लास्ट वाली स्लाइड में दिखाया था राइट। तो ये है हमारा n इज इक्वल टू 4 के लिए सोल्यूशन, और ये हमारा ऐसे रिकर्शन एंड बैक ट्रैकिंग यूज़ करके निकल रहा है। अब इसको हमने करना है कोड। तो रैट इन अ मेज प्रॉब्लम अगर आपको ध्यान है तो उसमें हमने जैसे एक फंक्शन बनाया था इस सेफ करके, तो वैसे ही हम यहाँ पे भी बना रहे होंगे। यहाँ पे हम चेक कर रहे होंगे कि कहीं पे भी ऑलरेडी हमारी पहले कोई क्वीन प्लेस्ड ना हो, कहाँ पे, उस रो में, उस कॉलम में एंड उसके डायगनल में, ठीक है। तो सपोज़ मेरे को इस वाली पोजीशन के लिए चेक करना है कि मैं यहाँ पे अपनी प्लेस कर सकती हूँ या नहीं, तो मैं पहले चेक करूँगी कि इस रो में ऑलरेडी तो नहीं है, इस कॉलम में तो ऑलरेडी नहीं है एंड इसके डायगनल में। अब जो है आप पूछोगी कि क्या मेरे को इसके आगे और दूसरे डायगनल्स में चेक करने की ज़रूरत है। एक तो यहाँ वाला डायगनल तो हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो इधर डायगनल जाएगा या इधर डायगनल जाएगा या आगे हो गया राइट, तो वहाँ पे हमें मूव चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अपनी क्वीन जो है प्लेस करना चाह रही हूँ तो मतलब कि मैं नेक्स्ट रो तक तो नहीं बढ़ी हूँ, है ना, मैंने इसके पहले वाली रोज ही कवर की है अभी तक, तो इसके बाद वाली रोज मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो मैं जो है कॉलम वाइज चेक कर रही होंगी राइट, तो मेरे को इसके बाद के जो कॉलम्स है वो भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली जो इस साइड की कॉलम हो डायगनल होगी एंड जो इस साइड की डायगनोलॉजी वो भी मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है राइट। तो मुझे चेक कहाँ करना है, मुझे चेक करना है रो में, कॉलम में और ये दो जो डायगनल्स हैं वहाँ पे। अब ये समझिए कि क्या हमें उस रो में चेक करने की ज़रूरत है, नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जो है जैसे ही किसी भी रो में अपनी क्वीन प्लेस कर देंगे तो हम उसी रो में जो आगे कॉलम्स है वो चेक नहीं कर रहे होंगे, हम नेक्स्ट रो में जंप कर जाएंगे राइट। तो अगर मैं यहाँ इस पोजीशन के लिए चेक कर रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि इससे पहले मेरी क्वीन प्लेस नहीं हुई है, तभी मैं इस रो में जो है चेक कर रही हूँ राइट। तो हमें रो के लिए भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें तीन जगह चेक करना है फाइनली। एक उस कॉलम में हमारा जो डायगनल है ये होगा हमारा लेफ्ट अपर डायगनल, और हमारा जो राइट अपर डायगनल है उसमें, ठीक है। तो ये हम तीनों चीज़ें चेक कर रहे होंगे हमारे इस सेफ फंक्शन में, जो कि हमें बताएगा कि हम एक पर्टिकुलर जो हमारा ब्लॉक है वहाँ पे हम अपनी क्वीन को रख सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो अब हम इसको कोड करके देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो बूल इससे फंक्शन होगा वो लिख लेते हैं, क्योंकि वो भी हमने समझ लिया है कि वो कैसे हम उसमें चेक कर रहे होंगे राइट। तो यहाँ पे जा रहा होगा हमारा इंट x, इंट y एंड इंट n। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे होंगे कि जो कॉलम है उसमें कोई क्वीन ऑलरेडी आ चुकी है या नहीं राइट। तो उसके लिए हमें एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम जो है हर उस कॉलम के लिए हर रो में चेक कर रहे होंगे राइट। तो रो ज़ीरो से लेकर रो इज इक्वल टू i तक हम अपना लूप चलाएंगे राइट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, यहाँ पे i नहीं है, x है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या r ऑफ रो y इक्वल है किसके, वन के, ठीक है, वन। तो यहाँ पे भी जहाँ पे हम प्लेस कर देंगे क्वीन को वहाँ पे हम कर देंगे, लिख देंगे वन, ठीक है। तो अगर कोई क्वीन प्लेस्ड है तो उसका हमें कैसे पता चलेगा, उसका हमें पता चलेगा अगर वहाँ पे वन है तो राइट। तो अब यहाँ पे अगर वन आ जाता है तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम रिटर्न करेंगे ट्रू, बट वो बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एक चीज़। अब हमें चेक करना है हमारा डायगनल के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें दो चीज़ें, दो आइट्रेटर्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि एक जो है हमारा यहाँ पे रो माइनस माइनस हो रहा होगा और कॉलम माइनस माइनस हो रहा होगा, है ना, हम रो से भी ऊपर जा रहे हैं और कॉलम से भी पीछे जा रहे हैं। यहाँ पे हमारा रो जो है माइनस माइनस हो रहा होगा लेकिन हमारा कॉलम प्लस प्लस हो रहा होगा, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे कि रो जो है वो
इक्वल है एक्स के और कॉलम जो है वो इक्वल है वाई से, ठीक है। तो हम ये जो पोजीशन हम चेक करें हम इससे स्टार्ट करेंगे और हम करते जाएंगे रो माइनस माइनस कॉलम माइनस माइनस करेंगे तो इस पोजीशन पे आ जाएंगे, है ना, और रो माइनस माइनस कॉलम प्लस प्लस करेंगे तो इस पोजीशन पे आ जाएंगे। तो ऐसे हम सारे डायगनल के पोजीशंस चेक कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हम एक वाई लूप लगाएंगे। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारा रो जो है कहीं माइनस माइनस करते करते ज़ीरो से कम तो नहीं हो गया, राइट। तो ये होना चाहिए मोर देन इक्वल टू ज़ीरो, एंड जो हमारा कॉलम है वो भी होना चाहिए मोर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो हम यहाँ पे फिर चेक करेंगे कि क्या हमारा आर ऑफ रो एंड कॉलम वन है। अगर वन है तो रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है, और आप कर दो रो माइनस माइनस कॉलम माइनस माइनस, ठीक है। ये हो गया हमारा, जो हमारी लेफ्ट डायगनल है वो चेक हो गई। अब हमें राइट डायगनल चेक करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सेम ही होगा ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे हम अगेन हमारे रो को जो है एक्स से इनिशियलाइज़ कर देंगे और कॉलम को वाई से, ठीक है। दोबारा जो हम पॉइंट चेक करें वहाँ से रो और कॉलम को इनिशियलाइज़ कर देंगे, और यहाँ पे हम कॉलम माइनस माइनस की जगह हम कर रहे होंगे कॉलम प्लस प्लस, राइट। जिस मैंने यहाँ पे समझाया कि रो तो कम होती जा रही है लेकिन कॉलम बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो रो माइनस माइनस होगी कॉलम प्लस प्लस, और हम कॉलम के लिए क्या कंडीशन लगाएंगे कि कॉलम शुड बी लेस देन एन, है ना, कहीं वो बढ़ते बढ़ते हमारे जो बोर्ड है उससे बाहर ही ना निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कहीं पे भी रिटर्न फॉल्स नहीं होता है तो हम करेंगे रिटर्न ट्रू, करेक्ट। अब लिखते हैं हमारा जो मेन फंक्शन होगा जहाँ पे हम रिकर्सिवली कॉल कर रहे होंगे एंड बैक ट्रैक कर रहे होंगे। तो ये फंक्शन होगा इन क्वीन, राइट। और यहाँ पे हमारा जा रहा होगा सबसे पहले जो हमारा एरे है, फिर जो एक्स है, और यहाँ पे हमें वाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्चुअली। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बोला कि हम जो है जैसे ही एक पर्टिकुलर रो में अपनी क्वीन को प्लेस कर देंगे तो हम नेक्स्ट रो में जंप कर जाएंगे, तो हमें इसके आगे के जो कॉलम्स हैं उसमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम रैट मेज में कर रहे थे कि हम उसके आगे वाली पोजीशंस भी चेक कर रहे थे, तो यहाँ पे हम जैसे ही अपनी क्वीन को प्लेस कर देंगे तो हमें आगे नहीं चेक करना है, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ एक्स लेंगे जो सिर्फ जो है हर एक रो का काउंट रख रहा होगा, और यहाँ पे आ जाएगा एन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कोई सोल्यूशन आरे बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम आरे जो हमें यहाँ पे इनपुट होगा उसी में हम चेंजेस कर रहे होंगे और वन लगा रहे होंगे जहाँ पे भी हमारे क्वीन को हम प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेस कंडीशन ये हो जाएगी क्या एक्स इज़ मोर देन इक्वल टू एन। तो मोर देन इक्वल टू एन का मतलब ये हो गया कि हमने अपनी एन क्वीन्स जो हैं प्लेस कर दी हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, राइट। अब जो है हमें क्या करना है, हमें रिकर्सिवली कॉल करना है। उससे पहले हमें चेक करना है कि क्या वो पोजीशन जो है वो सेफ है क्वीन को रखने के लिए। अब ये जो हम सेफ चेक कर रहे हैं ये हम हर एक रो में हर एक कॉलम के लिए चेक कर रहे होंगे, राइट। तो यहाँ पे हमें एक लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है, जो चल रहा होगा ज़ीरो से लेकर कहाँ तक, एक्चुअली इसको मैं कॉलम से लिखती हूँ, कॉलम इज इक्वल टू ज़ीरो से लेके एन तक, राइट। और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि सबसे पहले इस सेफ चेक करेंगे, ठीक है, क्या आर एक्स होगा और वाई की जगह कॉलम जाएगा, ठीक है, और एन। तो अगर ये हमें ट्रू दे देता है तो हम क्या करेंगे, हम हमारे उस पोजीशन पे एक्स कॉमा जो कॉलम है उसमें हम प्लेस कर देंगे वन। अब हम चेक करेंगे नेक्स्ट रो के लिए कि अगर हम इस कॉलम में इस रो में अपनी क्वीन को प्लेस कर देते हैं तो क्या अगली वाली रोज में हम बाकी की क्वींस को प्लेस कर पा रहे हैं। तो उसके लिए हम लगा देंगे इफ़, और हम दोबारा अपना फंक्शन कॉल करेंगे जिसमें जा रहा होगा एर और एक्स की जगह चला जाएगा एक्स प्लस वन एंड एन। तो अगर ये हमें ट्रू दे देता है तो हम क्या कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। बट अगर ये हमें ट्रू नहीं देता तो हम क्या करेंगे, उस केस में हम आर ऑफ एक्स कॉमा कॉलम को वापस ज़ीरो पुट कर देंगे, राइट। एंड दिस स्टेप इज
बैक ट्रैकिंग. अब रिटर्न फॉल्स हम तब करेंगे जब हम उस पूरे जो रो में हमने सारे कॉलम्स चेक कर लिए कि किसी भी कॉलम में मैं प्लेस नहीं कर पा रही हूँ अपनी क्वीन को, उसके बाद मैं रिटर्न करूँगी फॉल्स. ठीक है, अब इसको हम करते हैं कॉल. उसके लिए सबसे पहले इंट एन जो है हमने यूज़र से इनपुट ले लिया और हम बनाएंगे हमारा 2D एरे. ठीक है, इसको लिख दिया एन. अब यहाँ पे हम हर जो हमारा 1D एरे उसके लिए मेमोरी एलोकेट करेंगे और एरे इज इक्वल टू न्यू इंट एन. ठीक है, और हमें जो है इसको इनिशियलाइज भी करना है ना, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, एक और लूप लगा देंगे, जे इज लेस देन एन जे प्लस प्लस, और एर ऑफ आई कॉमा जे को हम कर देंगे 0 से इनिशियलाइज. हमने जो अपना एर भेजना है उसको हमने क्या करना है, 0 से इनिशियलाइज करना है. यहाँ पे मेरे को ये एरर इसलिए दे रहा है कि हमने आई नहीं लिखा, राइट. ठीक है, तो हर एक आर ऑफ आई को मेरे को अलग से मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी. और यहाँ पे हमने इनिशियलाइज कर दिया अपने 2D आर को 0 से. अब हम अपना फंक्शन जो है कॉल कर लेते हैं और यहाँ पे हम चेक करेंगे सबसे पहले कि क्या हमारा एन क्वीन हमें ट्रू दे रहा है. तो यहाँ पे एक्स में जाएगा 0 एंड, तो अगर ये ट्रू दे रहा है तो हम अपने आर को जो है प्रिंट कर लेंगे, राइट. तो यहाँ पे हम कर देंगे cout r of ij space and line break, right. करते हैं run. तो यहाँ पे हमने 4 के लिए देखा है, n is equal to 4 के लिए, तो मैं वही इनपुट डाल रही हूँ. एंड यू कैन सी कि हमारा जो हमने देखा था सोल्यूशन आएगा n is equal to 4 के लिए, वही आया है, राइट. अगर मैं इसको किसी और के लिए भी करके देखती हूँ, n इज इक्वल टू 7 के लिए ट्राई करते हैं, राइट. तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो हर एक रो में एक जो है क्वीन प्लेस्ड है एंड कोई भी दो क्वीन्स एक दूसरे को अटैक नहीं कर रही है, राइट. सो दिस वॉज द सोल्यूशन ऑफ द फेमस एन क्वीन प्रॉब्लम. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय, टेक केयर.